हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीथिंग वुड बी फाइन। आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो 10th क्लास के चैप्टर नंबर 10 से, जिसका नाम है आर एनवायरनमेंट। हमने अक्सर टेलीविजन पर, न्यूज़पेपर में और आसपास के लोगों से एनवायरनमेंट वर्ड सुना ही है। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि एनवायरनमेंट वह नहीं है जो पहले हुआ करता था। दूसरों का कहना है कि हमें स्वस्थ वातावरण में काम करना चाहिए। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि एनवायरनमेंट की अलग अलग तरह की चीजें आपस में एक दूसरे के साथ कैसे तालमेल या इंटरेक्ट करती हैं और हम एनवायरनमेंट को कैसे प्रभावित करते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि डिफरेंट मटेरियल्स साइकिल्ड होते हैं एनवायरनमेंट में। कई चीजों की रिसाइकलिंग भी होती है। ये एक अलग तरह के बायोलॉजिकल साइकिल्स हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि एनवायरनमेंट में चीजें नेचुरली कैसे बनती हैं और खत्म कैसे होती हैं। इन साइकिल्स में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और वाटर जैसे न्यूट्रिएंट्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड आवर वेस्ट मटेरियल टू एनवायरनमेंट। जब हम अपने वेस्ट मटेरियल्स को एनवायरनमेंट में ऐड करते हैं तो क्या होता है? हम अपनी डेली लाइफ की डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज से बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं और इन्हें एनवायरनमेंट में फेंक देते हैं। वो वेस्ट मटेरियल्स हैं किचन वेस्ट मटेरियल्स लाइक स्पॉइल्ड फूड, वेजिटेबल पील्स मतलब सब्जियों के छिलके, यूज की गई चाय पत्ती, टी लीव्स, मिल्क पैकेट्स और एम्प्टी कार्टून्स, वेस्ट पेपर्स, खाली दवाइयों के पैकेट्स, पुराने कपड़े, टूटे फूटे प्लास्टिक या फिर जूते। इन सब वेस्ट मटेरियल्स को एनवायरनमेंट में फैलाने से एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है और प्रदूषित हो जाता है। ये होता कैसे, एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह के फूड को डाइजेस्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स की जरूरत होती है। बॉडी के अंदर नेचुरली डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं। एक पर्टिकुलर चीज के ब्रेक डाउन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। इसी तरह एनवायरनमेंट में कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया या फिर सेप्रोफाइट्स होते हैं जो वेस्ट मटेरियल्स की साइक्लिक या डिग्रेडेशन के लिए होते हैं। जैसे सब्जियों या फलों के छिलकों को अलग मिट्टी के नीचे दबा दिया जाए तो कुछ दिनों के बाद इनके छिलकों का खाद या फर्टिलाइजर बन जाता है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म द्वारा इनमें बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, बायोलॉजिकल एक्शन किया जाता है। तो वो सब्सटेंस जो किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन हो जाए, ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। ये सब्सटेंसेस एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन नहीं फैलाते। दूसरी तरफ कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिसका एनवायरनमेंट में किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस से किसी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स या सूक्ष्म जीव द्वारा ब्रेक डाउन नहीं होता, उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। ये वातावरण को प्रदूषित करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक और प्लास्टिक से बनी हुई चीजें। प्लास्टिक का एनवायरनमेंट में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, जिसके कारण ऐसी चीजें एनवायरनमेंट में काफी लंबे समय तक मौजूद रहती हैं और ये चीजें एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं। तो जब हम ऐसी चीजें एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं तो हमारे एनवायरनमेंट को और इकोसिस्टम के मेंबर्स को नुकसान पहुंचाते हैं। सम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जिसकी लिस्ट कुछ इस तरह से है, लेदर शूज, प्लास्टिक बैग्स, कार्डबोर्ड मिल्क कार्टून्स, प्लास्टिक कंटेनर्स, ग्लास बॉटल। तो अब नॉन बायोग्रेडेबल सब्सटेंसेस एनवायरनमेंट में कितने समय तक रह सकते हैं, आइए ये देखते हैं। लेदर शूज 25 to 40 years, नायलॉन फैब्रिक 30 to 40 years, प्लास्टिक बैग्स 10 to 20 years, कार्डबोर्ड मिल्क कार्टून्स 5 years, प्लास्टिक कंटेनर्स 50 to 80 years, ग्लास बॉटल 500 years। कई नॉन बायोग्रेडेबल सब्सटेंसेस तो लाखों लाखों साल तक एनवायरनमेंट में पड़े रहते हैं और एनवायरनमेंट को प्रदूषित करते हैं, जो धरती के विनाश का कारण बन सकती है। तो हमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में और सोच समझकर करना चाहिए। इधर उधर कचरा नहीं फैलाना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। हमारे वीडियो को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। अरे तुमने सब्सक्राइब करने के लिए तो कहा ही नहीं।
मैं सबसे जरूरी बात तो भूल ही गई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे न्यू अपडेट्स आपको जल्दी से पता चल जाएं।